Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. कि आपने सुबह कहा था कि दूसरों के दोष मत देखो, अपने दोष देखो. पर अपने दोष देखना हमें नहीं आता, पर हमारे दोस्त लोग, माता पिता, पत्नी, भाई, कोई ना कोई हमें अपने दोष बताते रहते हैं. और जब ये दोष बताते हैं तो हमें पता भी लग जाता है. पर अब हम अपने दोषों को दूर कैसे करें, इसका क्या उपाय है? देखो, दोषों को दूर करने के लिए कई सारे उपाय हैं. पहला उपाय तो यह है दोषों को स्वीकार कर पाना, क्योंकि जब तक स्वीकार ही नहीं करोगे तब तक दूर करने का कोई उपाय नहीं है. तो एक्सेप्ट बिना किसी बहाने के, बिना कोई रीजन दिए, फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट, जहां दोष पैदा होता है उस चित्त की शुद्धि करना, प्रायश्चित करना. प्रायश्चित शब्द का अर्थ होता है अपने चित्त की शुद्धि करना. जैसे कपड़े में दाग लग जाता है तो हम कपड़े को कैसे धोते हैं, मलते हैं, साफ करते हैं, सुखाते हैं, धूप देते हैं, ताप देते हैं, ताकि उसके अंदर से जो दाग लगा है उस दाग का नामो निशान मिट जाए. ऐसे ही अपने चित्त को धोना, सुखाना, धूप देके तपाना, दोबारा चित्त में ऐसा दोष ना पनपे उतना चित्त को स्वाध्याय करके वापस स्ट्रांग बना लेना, उसका नाम प्रायश्चित है. तो प्रायश्चित करना होगा, चित्त का शुद्धिकरण करना होगा. इस चित्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए आपको यह समझना होगा कि दोष पैदा किसी न किसी धारणा की वजह से होते हैं. चित्त की कोई ना कोई सोच होती है, तभी तो दोष पैदा होता है. जैसे चित्त की ये सोच है कि मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, वो मेरे सामने कैसे बोल गया, अब वो बोल गया तो मुझे तो गुस्सा आएगा, मैं बड़ा हूं. अब ये धारणा हमारे अंदर दूसरों के बिहेवियर को लेकर के एक क्रोध पैदा करवाती है. अब मैं बड़ा हूं इस धारणा को रखने की वजह से कितने घरों के अंदर रोज की झगड़े होते हैं. अब मैं बड़ा हूं, अगर इस सोच को ऐसा ना रखकर कैसा सोचो कि समझदार होने का ठेका खाली बड़ी उम्र होने से थोड़ी हो जाता है. जो छोटा है वो भी तो समझदार हो सकता है. असमझदारी के लिए उम्र कोई बहाना थोड़ी है. और जो जिस फील्ड का मास्टर है हमें उससे सलाह लेने में क्या प्रॉब्लम है? अगर डॉक्टर छोटा भी होता है तभी डॉक्टर तो डॉक्टर है, वकील तो वकील है, पुलिस तो पुलिस है, साधु छोटा भी है तो साधु तो साधु है. तो मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि मैं बड़ा हूँ इसीलिए मैं सामने वाले को क्यों बर्दाश्त करूँ, क्यों सुनूँ? तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम यहाँ पर कि अब मैं बड़ा हूँ ये धारणा हमारे अंदर अहंकार लाती है, जिद लाती है, क्रोध लाती है, झुकने को तैयार नहीं करती. अगर इस धारणा का थोड़ा सा विश्लेषण करें और इस धारणा को दिमाग से थोड़ा सा हटा सके तो हमारा चित्त शुद्ध हो पाएगा. लेकिन नहीं तो चित्त जिद्दी रहेगा, नहीं नहीं मैं कैसे झुक सकता हूं, मैं तो बड़ा हूं. तो इस चित्त के जिद्दी होने की अवस्था को छुड़वाने के लिए चित्त का विशोधन करना होगा. और ये विशोधन करने की प्रक्रिया प्रायश्चित कहलाती. तो प्रायश्चित करो. ऐसे ही कितने ही स्थानों पर हम झूठ क्यों बोल रहे होते, क्योंकि हमें डर होता है कि सच बोल दिया तो सामने वाले के सामने मेरी इमेज क्या रह जाएगी. अपनी इमेज बचाने के लिए भी हम झूठ बोल रहे हैं. अब झूठ बोलने की धीरे धीरे आदत पड़ जाती है. तो इस झूठ की प्रक्रिया, झूठ पैदा कहां से हुआ, क्यों हुआ, कौन सी धारणा जो झूठ को पैदा करवा रही है, इस दोष का विवेचन करना होगा, निरीक्षण करना होगा. और फिर उस चित्त का विशोधन करना होगा कि मैं ऐसी धारणा क्यों रखूं कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा या मुझे डर लगता है. डर क्या है, डर की आवश्यकता क्या है, डर का औचित्य क्या है, डर वास्तविक है या काल्पनिक है? काल्पनिक ही तो है. तुम इस काल्पनिक डर के लिए इतना बहाने, इतना झूठ क्यों बोल रहा हो? मैं इस कल्पना को चेंज करूं तो? आप अपने चित्त को चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको चित्त को समझदार बनाना होगा, थोड़ा स्वाध्याय करना होगा. स्वाध्याय मतलब बुक्स रीड करना नहीं है, स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी, खुद को पढ़ना होगा, खुद को समझना होगा. तब आप अपने चित्त का विशोधन करोगे और जब चित्त में से वो धारणा हटाओगे तो आपके चित्त से दोबारा वो गलतियां होनी बंद हो जाएगी. तो दोषों को दूर करने के लिए
सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस यानी हम्बलनेस। विदाउट हम्बलनेस वी कांट एक्सेप्ट आर सेल्फ, आर फॉल्ट्स। हम अपने फॉल्ट्स को तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम हम्बल ना बने। इसीलिए पहला द्वार है हम्बलनेस, विनय। विनय है तो धर्म होगा, विनय नहीं है तो धर्म नहीं हो सकता, है ना। तो पहला है विनय, विनय होगा तो प्रायश्चित होगा। जब प्रायश्चित होगा यानी चित्त की शुद्धि करने की प्रक्रिया आप अपनाओगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मेरा चित्त बार बार गलत रास्ते पे क्यों जाता है, क्यों जिद्दी बन गया है, और उसके जिद को हटाने के लिए क्या करना। तो अब कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनको हटाने के लिए हमें उन निमित्तों को छोड़ना पड़ता है। विनिमित्त हट जाएंगे तो दोष भी हट जाएंगे। अगर हम जब तक उन निमित्तों के साथ रहते हैं तब तक दोष रहते हैं वो। जैसे कि कुछ लोगों को नशीले पदार्थ खाने की आदत है, अब ये भी एक दोष है, वो जानते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे। तो उनको नशीले पदार्थ खिलाने वाले दोस्त, खाने वाली कंपनी, उसका त्याग करना पड़ेगा। जहां नशीले पदार्थ खाने के विज्ञापन मिलते हैं उस जगह पे जाने का त्याग करना होगा, क्योंकि कई बार निमित्त ललचा देता है। तो निमित्तों को छोड़ने का त्याग, ये भी दोष मुक्ति का ही उपाय है कि आप निमित्त को ही वरस दो। आपको पता है इस आदमी के साथ आप बैठोगे और झगड़ा होगा, मत बैठो, बच के चलो ना। जरूरी थोड़ी है कि जाकर के बैठे उसी आदमी के पास जहां झगड़ा करने वाले हो आप। ये आपको पता है कि इस आदमी की बातें सुनोगे आप में नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि वो आदमी जब भी बातें करता है वो नेगेटिव बातें ही ज्यादा करता है। वो गांव भर की पंचायत ही करता है, दोष ही देखता रहता है और दोष ही बोलता रहता है। और आप उसके पास जाके बैठोगे, उसकी बातें सुनोगे, आपके भी दिमाग में वही सारी बातें आएगी। तो क्या करना, निमित्त से दूर हो जाओ, बच के चलो। तो इस तरह कई सारे उपाय होते हैं। कुछ दोषों के लिए हमें निमित्त हटाने पड़ेंगे, कुछ दोषों के लिए हमें अपने आप को संकल्पित करना पड़ेगा कि चाहे कैसा भी निमित्त आ जाए लेकिन मैं अमुक कार्य नहीं करूंगा। नियम प्रतिज्ञा लेनी होगी, प्रत्याख्यान करना होगा। तो प्रत्याख्यान भी आपके भीतर की संकल्प शक्ति को मजबूत करेगा और आपको उन सारी चीजों से हटा देगा, तो दोबारा आपसे दोष नहीं होंगे। दोषों के विशोधन के लिए प्रायश्चित के बाद में प्रत्याख्यान का जिक्र आता है कि प्रायश्चित करने के बाद पश्चात्कान करो कि दोबारा मुझे उस स्थान पर नहीं जाना, उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं करनी, उस घटना में रमण ही नहीं करना, तो दोषों से मुक्ति हो सकेगी। नहीं, अब प्रश्न यह है कि अगर हमने एक बार प्रायश्चित कर लिया फिर मन वही करता है तो क्या करें। देखो ये एक दूसरी स्टेज है, जब अपने प्रायश्चित की ओर मन दोबारा करता है। और अगर आप दोबारा तिबारा जितनी जितनी जागृति के साथ प्रायश्चित करते हो तो आपके वो दोष कम होते हैं, कम होते ही हैं, और आप कम होते हुए अनुभव करोगे। अब दोष भी क्या है ना, एक तरह से प्याज के छिलके की तरह, एक उतारो दूसरा, दूसरा उतारो तीसरा, तीसरा उतारो चौथा, लेकिन एक समय ऐसा आता ही है कि वो प्याज बचेगा ही नहीं। सारे छिलके उतार दोगे तो प्याज बचेगा ही नहीं, ऐसा भी एक समय आएगा कि दोष बचेगा ही नहीं। लेकिन उसके लिए आपको सतत धैर्य से, सावधानी से साधना करनी होगी कि विशुद्धि की, प्रायश्चित की। और इतना धैर्य, इतना सातत्य कोई रख पाए तो वो दोषों से पूर्णतया मुक्त होता है, अन्यथा भी थोड़ा बहुत तो मुक्त तो होता ही है। अच्छा, जब थोड़ा बहुत मुक्त होता है दोषों से तो उसके चित्त को जो समाधि होती है, जो शांति होती है, वो शांति का एहसास, वो समाधि का एहसास उसके भीतर में एक आत्मविश्वास लाता है कि हाँ मैं दोषों से मुक्त हो सकता हूं, और उसको वो सकारात्मक रिजल्ट लाके देता है। और वो रिजल्ट के ऊपर उसको फिर प्रतीति होती है कि अरे हाँ मैंने दोष छोड़ा तो मेरे को कितना अच्छा रिजल्ट मिला। भाई जैसे किसी आदमी को गलत खाने की आदत है, वो छोड़ता है तो उसका लीवर ठीक हो जाता है, उसकी बीमारियां ठीक हो जाती है, उसका वजन कम बराबर हो जाता है, बैलेंस हो जाती है उसकी बॉडी। तो उसको समझ में आता है ना कि फालतू खाना छोड़ने से मैं कितना ठीक हुआ, अच्छा फील हुआ। वो जो अच्छा फील हुआ वो उसको दोबारा अच्छा फील करवाने के लिए आदमी गलत चीजों से बाहर आ जाएगा। अभी आप ज्यादा बोलते थे, घर में रोज लड़ाई होती थी, और आपको समझ आया कि मेरा ज्यादा बोलना लड़ाई का कारण है। आपने बोलना बंद किया, धीरे 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 कंट्रोल किया, अब घर में शांति रहने लग गई। तो घर वाले कहेंगे ना कि आपके कम बोलने से कितना अच्छा माहौल हो रहा है, आपके मुस्कुराने से घर का माहौल कितना अच्छा हो रहा है, अब आप बिना टेंशन के रहते हो तो घर में बहुत आनंद आ रहा है।
तो घर वाले जब आपकी तारीफ करते हैं, आपको समझ आएगा, अरे वाह, अगर मैं खुश रहूं तो मेरा घर का माहौल इतना अच्छा होता है, तो फिर मैं खुश क्यों ना रहूं। तो दोष हटने के साथ ही जो वापस अच्छी घटनाएं घटेगी ना, वे घटनाएं आपके भीतर में श्रद्धा प्रतीति लाएगी, और ये श्रद्धा प्रतीति आपको दोबारा उन अच्छी घटनाओं के साथ ही आगे बढ़ने को प्रेरित करने वाली बन जाएगी। लेकिन इनिशिएटिव लेवल पर आदमी को अपने दोषों के प्रति सावधान होकर के, सरल होकर के एक्सेप्ट करना होगा और प्रायश्चित की प्रक्रिया से गुजरना होगा। कई प्रायश्चित ऐसे हैं केवल मन की शुद्धि से काम हो जाता है, और कई प्रायश्चित ऐसे कि मात्र मन की शुद्धि ही काम नहीं देती, उसके साथ तन की भी शुद्धि करनी पड़ेगी, वचन की भी शुद्धि करनी पड़ेगी, और तन और वचन की शुद्धि करने के लिए आदमी को फिर प्रत्याख्यान भी करना पड़ेगा कि मैं दोबारा वो निमित्त में ही नहीं जाऊंगा, या निमित्त को ग्रहण ही नहीं करूंगा, निमित्त का ग्रहण ही नहीं करूंगा, निग्रह कर लूंगा। तो पांच इंद्रियों का निग्रह करना वो भी एक उपवास है, और वो उपवास जब व्यक्ति करता है तो उसके भीतर से कई सारे दोष निकल जाते हैं। जय हो।